इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव युवाओं के मध्य देखने को मिलता है। युवा अब शारीरिक खेलों को और मनोरंजन के बजाय वीडियो गेम, यूट्यूब आदि का अधिक प्रयोग करते हैं, जिससे युवा वर्ग शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर हो रहे हैं। इससे जुड़ा एक नाटक आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आ गए सब लोग, मेरे साथियों से मिलना चाहोगे तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, बच्चे बूढ़े या तो जवान, सब मेरे दीवाने हैं दीवाने। हाँ, गूगल, गूगल नाम है मेरा। मैं जो जानता हूँ वो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। जिसको टिकटॉक कहते हैं, नेता अभिनेता खिलाड़ी बच्चे बूढ़े भी मेरे सामने टिक नहीं पाते। हा हा हा। मैं हूँ इंस्टाग्राम और सब में और मैं सबको पागल करके रखा हूँ, स्पेशली सारे युवाओं को, उसको इसको इसको भी मैंने पागल करके रखा हूँ। और मैं हूँ इन सबका बाप फेसबुक। मुझे कौन नहीं जानता, मैंने ही तो ये सोशल मीडिया का युग शुरू किया था। और हमने ये भी सुना है कि ये दुनिया जल्दी हमारे इशारों पर नाचने वाली है। तो देखिए सुबह का दृश्य। मेरा तो कल मैथ्स का एग्जाम है पर मुझे इसका आंसर नहीं पता। अब मैं क्या करूं। चलो मम्मी से पूछता हूँ। मम्मी। हाँ क्या हुआ बेटा? मेरा कल मैथ्स का एग्जाम है पर मुझे इसका आंसर नहीं पता, क्या आप मुझे बताओगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? टीचर ने बताया तो था पर मैं भूल गया। ठीक है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुम अपने पापा से जाके पूछ लो। ठीक है मम्मी। मम्मी तो पूरा दिन फोन में ही लगी रहती है। मेरा कल मैथ्स का एग्जाम है पर मुझे इसका आंसर नहीं पता, क्या आप मुझे बताओगे? बेटा मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही है, जब मैं शाम को आऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है पापा। शाम होने पर पापा आपने कहा था कि मुझे इसका आंसर आप बताओगे। एक मिनट रुक। अरे बेटा मैं अभी ऑफिस से आऊँ और बहुत थका हुआ हूँ, मुझे ऑफिस का बहुत काम है, तुम जाकर अपनी माँ से पूछो। ठीक है पापा। मम्मी मुझे इसका आंसर अब तक नहीं पता चला, क्या आप मुझे अब बताओगे? ठीक है, तुम अपने स्टडी रूम में चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है मम्मी। एक घंटे के बाद। ये क्या मम्मी अब तक नहीं आई? चलो मैं ही मोबाइल पर सर्च कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, हमारे पिंजरे में एक और शिकार फंसने वाला है। फंसने वाला है, देखते हैं इसको कौन बचाएगा। हॉस्पिटल का दृश्य। डॉक्टर साहब मुझे बहुत बड़ी बीमारी हुई है। कौन सी बहुत बड़ी बीमारी है? मैं सुबह शाम पूरा दिन सोती रहती हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, ये तो बताओ कौन सा फोन इस्तेमाल करते हो? मैं नॉर्मल सी नोकिया फोन यूज करती हूँ। यही तो है सबसे बड़ा कारण। आप ये छोड़ो, ये फोन एंड्रॉइड का फोन लेके जाओ, तुम्हारी क्या तुम्हारी सारी परिवार की भी नींद उड़ जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
ये क्या, मेरे व्हाट्सएप में तो मैसेज आया है, चलो देखता हूँ। घबराने की या चिंता की तो कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने के कारण आपके बेटे का स्थिति ऐसा है। अब तो इसे अपनेपन की जरूरत है, आप मोटिवेट कीजिए कि ये सोशल मीडिया से ज्यादा अपने रियल फ्रेंड्स के साथ समय बिताए। देखो कैसा वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर बिताते हैं, भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ समय बिताने में है, और दूसरों की तकलीफों को मजाक बना देते हैं और हमारी तकलीफों को स्टेटस बना लेते हैं। हम सोशल मीडिया का इतना ज्यादा उपयोग करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया को हम नहीं चला रहे, सोशल मीडिया ही हमें चला रही है। हाँ, हम मानते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत सारे फायदा है, पर उससे ज्यादा नुकसान है। इससे बच्चों का बुरी आदत लग जाती है, पर छोटी छोटी बातों पर फोन का इस्तेमाल करना आदि। हमें इस नाटक से यह सीख मिलती है कि हमें अब सोशल मीडिया को छोड़ पारिवारिक समस्याओं को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलो अब मुझे फोन की जरूरत नहीं है, मैं पूरे ऐप्स डिलीट कर दूंगा। नहीं, मत करो। Thank you.